इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने एक बार फिर इसराइल पर हमला कर दिया है। खुद हिजबुल्ला ने इस बात की जानकारी दी है। हिजबुल्ला के अनुसार उसने दक्षिणी हाइफा में इजरायली अड्डे पर हमला किया है और दक्षिणी हाइफा में टीरा अल कारमेल सैन अड्डे पर मिसाइलें दागी हैं। जानकारी के अनुसार एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला किया गया है। वहीं इजरायली सेना ने भी हमले की पुष्टि की है। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान की तरफ से 5 रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, हालांकि कुछ रॉकेट्स को रोक लिया गया है। साथ ही IDF ने बताया कि एक रॉकेट ने कंस्ट्रक्शन साइट को निशाना बनाया है और हमले में एक व्यक्ति को मामूली रूप से चोट आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने एक बार फिर इसराइल पर हमला कर दिया है। खुद हिजबुल्ला ने इस बात की जानकारी दी है। हिजबुल्ला के अनुसार उसने दक्षिणी हाइफा में इसराइली अड्डे पर हमला किया है और दक्षिणी हाइफा में टीरा अल कारमेल सैन अड्डे पर मिसाइलें दागी हैं। जानकारी के अनुसार एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला किया गया है। वहीं इसराइली सेना ने भी हमले की पुष्टि की है। इसराइली सेना ने कहा कि लेबनान की तरफ से 5 रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, हालांकि कुछ रॉकेट्स को रोक लिया गया है। साथ ही IDF ने बताया कि एक रॉकेट ने कंस्ट्रक्शन साइट को निशाना बनाया है और हमले में एक व्यक्ति को मामूली रूप से चोट आई है।